पे दोस्तों आपको पहले वायर बता देते हैं कौन सा वायर है किसका है। यहाँ पे जो ये ब्लैक वायर है ये हमारे रनिंग के हैं, और जो पीले वायर है ये स्टार्टिंग के हैं, और दो वायर क्लच के हैं। यहाँ पे 200-250 mAh कैपेसिटर है, और यहाँ पे 20 mAh कैपेसिटर है जो कि ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है। और यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से कनेक्शन होगा। चलो तो यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, पीला स्टार्टिंग का और ब्लैक रनिंग का है, इन दोनों को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद में यहाँ पे जो हमारे पास में रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर पर दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर यहाँ पे इसको जोड़ने हैं। ने 20 mAh कैपेसिटर का वायर यहाँ पे जोड़ दिया है, इसके बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी वायर इस पे जोड़ देंगे, तीन वायर इस पे हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशनर पे क्लच का वायर जोड़ेंगे 200-250 mAh का, 200-250 mAh का, और क्लच का वायर यहाँ पे एग्जिट हो गया हमारे। उसके बाद में यहाँ पे क्लच का जो वायर आता है उस क्लच को वायर को यहाँ पे स्टार्टिंग पर जोड़ेंगे। स्टार्टिंग वायर है, ये स्टार्टिंग वायर है, स्टार्टिंग वायर पे जुड़ चुका है। अभी जो हमारा 20 mAh कैपेसिटर है उसका हमने एक वायर तो रनिंग में लगा दिया था, और एक वायर हमें स्टार्टिंग में लगाना है जो कि स्टार्टिंग में क्लच के साथ में स्टार्टिंग वायर जुड़ा हुआ है, उसी में इसको जोड़ देंगे। ये हमारे कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें 220 वोल्ट लाइट सिंगल फेज कहाँ से पहुँचाएंगे, एक वायर तो इन पे कॉमन पे लगाएंगे, और दूसरा वायर यहाँ पे इस रनिंग का जो हमारा तार था इस पे दोनों कैपेसिटर के तार जुड़े हुए हैं उस पे लगाएंगे। तो चलो इसको चला के देखते हैं, उल्टी घूमती है सुलटी, और अगर उल्टी घूमी तो यहाँ पे आपको सुलटा करके भी दिखाएंगे। ये हमारी सीरीज की डोरी है, यहाँ पे ये मोटर हमारी ऑन हो चुकी है, और ये एक बार और चला के देखा ना, मोटर हमारी चल रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें।